सो फाइनली लास्ट टाइम मैंने देखा था कि हमने एक शिखा स्केचिंग किट हमने लॉन्च करी थी, तो उसका इतना ऑसम रिस्पॉन्स आया है। कहीं मेरे आसम से हमें मैसेज आ रहे हैं, गुजरात से मैसेज आ रहे हैं, बिहार से मैसेज आ रहे हैं, कितनी अमेजिंग किट आप हम तक कैसे पहुंचा गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने देखी भी नहीं होती इस किट के बारे में। अब मैं जानना चाहता हूं कि उस किट का जो हम यूज करने वाले आपके ऑनलाइन क्लास में, तो वो हम कहां यूज करेंगे और कितने टाइप्स की क्लासेस है। सेम एक्साइटमेंट किट जैसा मुझे इन क्लासेस में भी है कि आप इतनी सारी बेचेस से कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप उन सबको बताएंगे और कैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने कैसे सीखा और मैं फिर बताऊंगी कि मैं बाकियों को कैसे सिखाने वाली हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बहुत गंदा बनाता आता था, मतलब कार्टून से भी बहुत गंदा बनाती थी मैं, और सिखाते सिखाते मैंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत सारी क्लासेस पर गई और उन लोगों ने मुझे सिखाने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि पोर्ट्रेट उस टाइम पर कोई भी नहीं सिखाता था। ऐसा था कि मुझे आता है तो सिर्फ वो मेरे तक ही रहना चाहिए, मतलब मैं अपनी आर्ट को किसी और को क्यों दूं, क्यों मैं उसे बताऊं ये राज की आईज कैसे बनेगी, नोज कैसे बनेगी, लिप्स कैसे बनेंगे। अभी मैं आपको एक टिप देती हूं, आप सभी को भी, दोनों आंखों के बीच में कितनी दूरी होती है पहले पूछ लेती हूं मैं आपसे। इतनी दूरी होती है कि एक टीका लग जाए नहीं, दोनों आंखों के बीच में एक आंख की दूरी होती है। मतलब ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी। थोड़ा सा मैंने रोकना चाहूंगा कि आप मैं मोटिवेट फील कर रहा हूँ, जब इन्होंने कहा था कि बहुत गंदा मैं पहले बनाती थी, वो स्थिति अभी हमारी है कि उतना ही गंदा हमें बनाते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि दोनों आंखों के बीच में जो दूरी होती है वो एक आंख की होती है। तो ये आपको किसने बताया था? ये मैंने खुद से सीखा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि आप सिखाते सिखाते सीख जाते हैं, तो 8 साल से मैं सिखा रही हूँ, तो सिखाते सिखाते मैं बहुत ज्यादा सीख चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो भी आर्ट सीखना चाहते हैं, आर्ट में कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं सिखाऊं, बट पॉसिबल नहीं है कि सब यहाँ तक आए क्योंकि स्कूल्स रहते हैं। तो उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले भी हमने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस की है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले बहुत ही गंदा बनाते थे, मतलब लिटरली मैंने देखा है उनको ग्रो करते हुए देखा है और अब वो हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं। आज मैं क्लास ले रही थी और एक 14 साल की जो एक बच्ची है उसने मुझे अपना आर्ट दिखाया हाइपर रियलिस्टिक और मैं शॉक्ड हो गई कि वाओ क्या बनाया है। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बना पा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लास में। तो इतनी बड़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट अगर शॉक हम हो तो एक बार चलता है कि अरे क्या अमेजिंग बना दिया। मतलब एक 14 ईयर्स की लड़की ने अगर कुछ बना और आप शॉक हो गए तो मतलब लिटरली कुछ अमेजिंग बनाया होगा उस बच्ची ने। क्लासेस के पहले मैंने उनका आर्टवर्क देखा तो थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इम्प्रूव होगा, बट क्लासेस के बाद इम्प्रूवमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगता है एक टीचर को जब स्टूडेंट्स ग्रो कर। ऑब्वियसली बिल्कुल, एक क्लिपिंग वाली बात है, उस बच्चे के लिए हमें बजानी चाहिए। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 8 साल से आप कोई क्लास कर रहे होंगे तो आपने अपने ही कितने टीचर्स बना लिए होंगे जो आपकी क्लासेस पे होंगे, अब वो खुद भी इतने ट्रेंड हो चुके होंगे कि जिस तरीके से आप बारीकियां निकालते हैं वैसे वो भी बारीकियां निकाल देते होंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे आप क्लासेस को, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितनी बेचेस हैं आपके पास? क्योंकि मैंने आपका एक पोस्टर देखा था, बहुत अमेजिंग था, ऑब्वियसली डिजाइन भी हमने किया था उसे। सो बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस हैं, तो हर क्लास में आपकी इस बार सबसे इनोवेटिव चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेंगी उन क्लासेस में, तो कैसे मैनेज करने वाली? तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस मैं लूंगी इस बार, और उसी के साथ जैसा कि आपने बताया कि टीचर्स भी वैसे ही होंगे, तो मैं 8 साल से सिखा रही हूँ और वो लोग सभी मेरे साथ 6 साल से हैं, कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों में मैं हमेशा उनको बताती रहती हूँ, गाइड करते रहती हूँ, तो वो इतने परफेक्ट हो गए हैं कि बहुत अच्छे से सिखाते हैं वो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये वाला इतना इनोवेटिव कैसे सिखा दिया आपने, तो बहुत ही अच्छी क्लासेस होने वाली है उनके साथ भी। अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो रोल प्ले करने वाली है वो धोनी का रोल प्ले करने वाली है, कि ये खड़ी भी है तब भी पूरी टीम जीतेगी ही जीतेगी, राइट? तो वैसे इन्होंने नए नए प्लेयर्स, नए टीचर्स अपने तैयार करके रखे होंगे। सो थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बताइए आप। तो क्लासेस के बारे में पूरा बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, हाँ, आप जैसे लोगों के लिए हमारे पास है बेसिक स्केचिंग क्लासेस, उसमें हम आपको पेंसिल पकड़ने से लेकर सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग सिखाएंगे, इंडोर ड्राइंग सिखाएंगे, आउटडोर ड्राइंग सिखाएंगे, और उसी के साथ साथ फ्लावर्स बनाना, शेडिंग कैसे होती है, 3D ऑब्जेक्ट आप प्रॉपर कैसे बना पाते हैं, अगर कुछ भी, अगर ये डायरी है मेरे पास, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो शेडो कहाँ पर आएगी, अगर इस डायरी को मुझे हवा में दिखाना है शेडो के थ्रू तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ एक पेपर के ऊपर, तो ये वाली सारी टिप्स, और शेडिंग कितना टाइप की होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक में जो अगर वो कवर कर लेंगे तो आगे उन्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो जैसे आप ये ऑनलाइन क्लासेस लेंगे कैसे, कोई एप्लीकेशन या किसके थ्रू आप लेंगे? हम गूगल मीट के थ्रू ये क्लासेस लेने वाले हैं और सभी के ग्रुप्स रहते हैं, डेली होमवर्क चेक होता है, डेली होमवर्क मिलता है और वीकली एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम गेम्स भी रखते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं या फिर हम उन्हें कुछ इनोवेटिव बता देते हैं। और इस बार तो मैं उन्हें कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ कि कैसे वो शूट कर सकते हैं। जैसे ट्रिकी वीडियोस मैं शूट करती हूँ तो मैं कुछ कुछ टिप्स देने वाली हूँ उसमें कि कैसे वो लोग शूट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप जब बिगिनर थे और आप किसी के पास जाते थे तो वो अपनी कला के बारे में बताते थे, लेकिन आप तो अपने आप को पूरा ही एकदम खोल रहे हैं कि ट्रिकी वीडियो जो इतना वर्ल्ड फेमस है आप वो भी अगर सबको बता देंगे तो आपको नहीं लगता कि वे हर कोई शिखा शर्मा बन जाएगा? मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया के हर कोने तक आर्ट पहुँचे। मतलब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये ना बोले कि आर्ट में क्या रखा है या फिर क्यों सीखना है या क्यों जाना है या क्यों बनाना है आर्ट, ऐसा कोई कभी भी किसी को ना बोले। और अगर एक बच्चा चाहता है कि वो अपनी सपनों की दुनिया, क्योंकि आर्ट एक सपनों की दुनिया है, तो उस वाली दुनिया में खोना चाहता है, कुछ नेक्स्ट लेवल का करना चाहता है, तो मैं हमेशा उन सभी के साथ हूँ। वो कभी भी कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, अगर कोई कमेंट भी आते हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर लेती हूँ, डायरेक्ट मैसेज के साथ मैं उन्हें वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ और उनके डाउट्स सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के लिए होगा जैसे हम जो कुछ जानते ही नहीं, जिनको आप पेंसिल पकड़ना भी सिखाएंगे। बट ऑब्वियसली हमारे इंडिया में कला तो बहुत टाइम से चली आ रही है, ऐसे बहुत सारे कलाकार भी होंगे जो आपको देख देख के इंस्पायर होकर बहुत चीज़ें बनाना सीख जाएंगे, उन लोगों के लिए क्या है? मतलब हम एक बार पूरे मुझे कोर्सेज के बारे में बता दीजिए आप। सो फर्स्ट हमारी बेसिक क्लास है और बेसिक के बाद आती है एडवांस क्लास, जिसे थोड़ा बहुत भी बनाता आता है, अगर वो फेस बना लेता है, आईज नोज लिप्स बना लेता है, तो हम उसको डायरेक्ट सिखाते हैं एडवांस, क्योंकि उसमें हम पूरा फोकस हमारा पोर्ट्रेट पर रखते हैं, क्योंकि वो सीखने के बाद आप ऑर्डर वर्क ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मतलब मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो पहले मुझे बेसिक ज्वाइन करना होगा, फिर उसके बाद मुझे अपने आप को एडवांस पे स्विच करना होगा, और अगर मुझे शिखा शर्मा बनना है तो फिर मुझे हाइपर रियलिस्टिक में जाना पड़ेगा। और ये मुझे वर्ड इतना अच्छा लगता है, जब भी इनका कोई कोर्स आता है तो मैं ये वर्ड जरूर देखता हूँ। तो हाइपर रियलिस्टिक में क्या होता है? सो हम लेकर आए हैं थर्ड हमारा क्रेश कोर्स है, वो है हाइपर रियलिस्टिक का। हाइपर रियलिस्टिक में हम एक पूरा डिटेल पार्ट में कैसे आईज बनती है, नोज बनती है, लिप्स बनते हैं, ईयर बनते हैं, सारी चीजें सिखाने वाले और बहुत अमेजिंग वाले पोर्ट्रेट्स भी बनाने वाले उसमें। आई होप कि मैं भी जल्दी सीख के सबसे पहले मैं अपने मॉम डैड की पोर्ट्रेट बनाऊं और उनको गिफ्ट करूं। और उसी के साथ हमारा वाटर कलर कोर्स भी है, वाटर कलर में भी हम लैंडस्केप कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ पोर्ट्रेट्स भी बनाएंगे, फ्रूट्स भी बनाएंगे, स्टिल लाइफ बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे, बर्ड्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद है हमारी ऑयल पेंटिंग क्लास। ऑयल पेंटिंग में इस बार हमने ऐसा रखा है कि हम ऑयल पेंटिंग भी सिखाएंगे और एक्रेलिक भी सिखाएंगे। सो कैनवस पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और एक्रेलिक एक साथ होने वाली है? नहीं नहीं नहीं, मतलब दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हम। ऑयल का सेक्शन थोड़ा सा अलग रहेगा, एक्रेलिक का अलग रहेगा। हम उसमें मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ऑयल में जितने हो सकते हैं और एक्रेलिक में जितने हो सकते हैं, क्योंकि ये वन मंथ की क्लासेस है। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, स्टेज करना है, आप शिखा मैम के पास जा सकते हैं। वाटर कलर सीखना है, आप शिखा मैम के पास जा सकते हैं। ऑयल कलर सीखना है, आपको शिखा मैम के पास जा सकते हैं। रंगोली सीखना है, आप शिखा मैम के पास जा सकते हैं। रंगोली कोर्स के बारे में मैं आपको बोलने वाली थी, पर आपने पहले ही बता दिया कि रंगोली भी सीखनी है, तो रंगोली तो ऑब्वियसली आप तो रंगोली क्वीन नाम से ही जानी जाती है, तो रंगोली के बारे में भगवान की बहुत कृपा है कि रंगोली में इतना आगे बढ़ाया है, तो रंगोली भी हम सिखा रहे हैं। रंगोली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सिखाने वाले हैं। स्क्रीन शॉट कैसे बनाना है, कैसे उसको रियलिस्टिक बनाना है, ब्रिटिश स्क्रीन शॉट कैसे बनाना है, इंडियन स्क्रीन शॉट कैसे बनाना है, या क्लॉथ्स के टेक्सचर कैसे बनाना है, फोटोग्राफ्स कौन सी आप चूज करेंगे जब आप रंगोली बनाएंगे, या फिर आप रंगोली के ऑर्डर्स कैसे लेंगे और रंगोली के वीडियोस कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें होगी इस कोर्स में। उन्होंने यूज करा कि ब्रिटिश स्क्रीन शॉट कैसे बनाना है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो आंखों के बीच में एक आंखों की गैप होती है, मतलब डेफिनेटली इन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स आए होंगे तभी ये ब्रिटिश स्क्रीन शॉट पे गई है, राइट? हम तो सोचते भी नहीं है। दैट्स ग्रेट। सो विच मीन जितना मुझे समराइज हुआ, जितना समझ में आया, ये जो क्रेश कोर्स होने वाला है ऑब्वियसली हमें लगता है वन मंथ का है, बट इस वन मंथ में शायद 22 क्लासेस आप लेने वाले हैं, राइट? सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, लेकिन इस बार संडे खुद शिखा मैम आपको वीकली एक्टिविटीज करवाने वाली है। क्लासेस बहुत अच्छी डिजाइन है, ये चीज मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि जो पढ़ सकता हूँ उतना मैं समझ गया हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो नहीं कला के बारे में हमें इनके ही पास आना होता है। सो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस लगने वाली है, राइट? और एक और स्पेशल क्लास है हमारी किड्स के लिए, क्योंकि बहुत
जो छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनके अगर जॉब करते हैं तो फ्री नहीं रहते हैं, छोटे बच्चों को फोन नहीं मिल पाता है, तो उनकी क्लासेस हमने सबसे लास्ट में रखी है। उनका टाइम भी हमने स्पेशली लेट रखा है ताकि पेरेंट्स आ जाए, पेरेंट्स उनके साथ बिठा के उनको सिखा पाए। तो वो थोड़ी और मुझे जो लगता है कि सबसे स्पेशल क्लास है और सबसे जरूरी क्लास है वो शायद किड्स क्लास है, क्योंकि एक जो बच्चा जो क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ या क्लास सेकंड में रहता है वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, तो ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उसको किस वे में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स हुआ, राइट? हाँ, क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा हम उसके माइंड में क्रिएटिविटी डाल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ करवा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनकी लाइफ के लिए। कि मैंने इनकी आर्ट क्लास में देखे कि बच्चा 9th क्लास में या 10th क्लास में, ऑब्वियसली उम्र से वो आपसे छोटा हो सकता है, लेकिन वो 7 साल से 6 साल से जिन कोर्सेज के बारे में हम बता रहे हैं वो सीख रहा होता है और आपके ही जैसे कई सारे बच्चों को वो सिखा चुका होता है। तो ऑब्वियसली आप क्लास में तो प्रेजेंट रहते ही हैं, ये तो मैंने भी देखा है, जब मैं लाइव स्टूडियो पे आपके गया था तो क्लास में तो प्रेजेंट रहते ही हैं। नाउ प्रॉब्लम इज दैट मैम, मुझे ही आज पता चला है आपकी क्लासेस के बारे में और आज उस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 27 से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो क्या हम ये कोर्स की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, 2 दिन का मैं टाइम दे सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगी क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है, कोर्सेज पूरे प्रॉपर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने पड़ते हैं और अभी सीट्स बहुत लिमिटेड है क्योंकि हम एक साथ ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकते क्योंकि उनके आर्टवर्क देखने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सीट्स लिमिटेड है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। सो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या होगी, क्या रजिस्ट्रेशन फीस अलग है और कोर्स फीस अलग है, दोनों सेम है? रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं है, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, आपका नाम आपको डालना होगा और पूरी प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। और एक बात, बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जो QR कोड है क्या वो जेन्युइन शिखा मैम का है, कोई फेक है, तो आपकी प्रोसीजर में QR कोड और वो UPI वाला इंक्लूडेड है ना, मतलब वो आप ही का है ना? हाँ, वो मेरा ही है। अगर जो दोनों नंबर है वो बिल्कुल जेन्युइन है, उनके अलावा आप किसी पर फ़ोन ना करें, ये नंबर पर ही फ़ोन करें और ये लोग ही आपको पेमेंट का बोलेंगे तभी करें और किसी को ना करें, और बाकी सारी चीज़ें जेन्युइन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा रहता है, कसक रही जाती है, मैम क्या मैं 1 महीने का कोई सा कोर्स ज्वाइन करके कुछ तो बन सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत तो बना ही लूंगा ना? हाँ, आप ऑर्डर वर्क लेना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, तो डेफिनेटली अगर आपको ऑर्डर भी करना हो तो मुझे 1 महीने की क्लास सीख लेने दीजिए, सीखा मैम जैसा नहीं लेकिन बना तो मैं दूंगा ही कुछ ना। सो फाइनली इतना तो मुझ में अपना कॉन्फिडेंस है कि 1 महीने की मैं 22 क्लासेस लूंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगा। सो अब देर मत करिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और अपनी सीट जल्दी से बुक करिए, बिकॉज मैम इस बार आपको ऑनलाइन सिखाने वाली है। मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, बाय।